हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। सो लेट्स फिक्स आर टाइम। सो 11th to 20th हम लोग फाइनेंस और अकाउंटिंग देखेंगे एंड 21st to 30th ऑफ अगस्त हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन का रिवीजन कर सकते हैं। तो मेन जो इसका कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिकल पहले देखेंगे तो ईजी रहेगा कि बाद में हम लोग थ्योरी को फटाफट रिवाइज कर सकें। सो देयर आर फ्यू पॉइंट्स। फर्स्ट है कैपिटल इनकम, जिसमें टैक्सेबल क्या क्या आता है। मूवेबल प्रॉपर्टीज लाइक आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, ज्वेलरी, दीज आर सब्जेक्ट टू कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। ऑर्नामेंट्स गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम आता है। सेमी प्रेशियस स्टोन्स आता है। गुडविल, लीज होल्ड, ज्वेलरी, शेयर्स, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, ये सारा टैक्सेबल है। चार एक्सेप्शन है। फर्स्ट है स्टॉक इन ट्रेड, क्लोथ्स, हाउस होल्ड फर्नीचर, ये सारा जो भी पर्सनल बिलोंगिंग है ये एक्सेप्शन है। एग्रीकल्चर लैंड एक्सेप्शन है, गोल्ड बॉन्ड है। वेयर एज अगर एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया में होना चाहिए, अगर एग्रीकल्चर लैंड अर्बन एरिया में होगा तो वो टैक्सेबल होगा। फाइन। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म में हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हैं, माइनस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लेते हैं, माइनस सेलिंग एक्सपेंस करते हैं। ये आ गया हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। वेयर एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हम लोग इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट और एक्सपेंस इनकर्ड लेते हैं। तो हम लोग इंडेक्स कॉस्ट कैसे लेते हैं, कॉस्ट इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर इन विच द एसेट्स इज सोल्ड डिवाइडेड बाय कॉस्ट इंडेक्स इन्फ्लेशन फॉर विच द ईयर एसेट वॉज एक्वायर्ड। जो ईयर में हम लोग बेच रहे हैं उसका कॉस्ट इंडेक्स इन्फ्लेशन या डिवाइडेड बाय जिस साल में हम लोग खरीदे, और उसमें भी हम लोग खरीदे या फिर मार्केट वैल्यू जो भी ज़्यादा होगा डैट विल बी कंसिडर्ड। इसके बाद हम लोग रिवाइज कर सकते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला। प्रिंसिपल वैल्यू या फेयर एंड जो भी बढ़ा है, फेयर एंड बढ़ा है, स्टैंडर्ड रेंट बढ़ा है, नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट। सो स्टैंडर्ड रेंट लेंगे 30,000। अब स्टैंडर्ड रेंट या एक्चुअल रेंट जो भी बड़ा है दैट इज़ 40,000। सो 40,000 आ गया हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। नेक्स्ट हम देखे थे लेट आउट के केस में, अगर एक ओनर उसका दो घर है, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड में रहेगा दूसरा लेट आउट, सो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड का ग्रॉस एनुअल वैल्यू नल रहेगा। फिर एस लेट आउट का हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेंगे, माइनस म्यूनसिपल टैक्स लेंगे, माइनस अनरियलाइज रेंट लेंगे, ये आ गया एनुअल वैल्यू, माइनस डिडक्शंस करेंगे। डिडक्शन में दो आता है, फर्स्ट इज 30% ऑफ एनुअल वैल्यू एंड सेकेंड इज इंटरेस्ट ऑन लोन परचेज नेट कंसिड्रेशन रिपेयर। यह आ गया हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अब हम लोग देखे थे कि अगर एक ही घर में ही सेल्फ ऑक्यूपाइड भी और लेट आउट है, एक ही घर का अलग अलग यूनिट्स में, तो सारा हम लोग 50-50 डिवाइड कर लेंगे। इसके बाद आता है इनकम फ्रॉम सैलरीज। सैलरीज में क्या क्या आता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इसमें हम लोग 12% ऑफ सैलरी लेते हैं, और इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ हम लोग 9.5% लेते हैं। इसके बीच में जो भी एक्सेस है उससे ये टैक्सेबल होता है। परक्विजिट्स क्या होता है, जो बेनिफिट्स एडिशनल बेनिफिट्स विच आर एडेड टू अ सैलरी। इसमें तीन टाइप्स के होते हैं, एक टैक्सेबल होते हैं, टैक्स फ्री पूरा ही फ्री, और दूसरा कुछ सर्टेन लिमिट तक हमारा कंसेशनल है। तो टैक्सेबल कौन कौन सा है, रेंट फ्री अकोमोडेशन है, इंटरेस्ट फ्री लोन है, हॉलीडे इन्जॉयमेंट है, फ्री गिफ्ट्स है, क्लब है, मूवेबल एसेट्स, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल है। नेक्स्ट है टैक्स फ्री, जिसमें टैक्स नहीं लगता है, मेडिकल बेनिफिट है, टी स्नैक्स है, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन है, टेलीफोनिक एक्सपेंसेस एंड स्कॉलरशिप स्कीम, ये सारा टैक्स लगता है जब सैलरी एक्सीड करेगा 50,000। नेक्स्ट वन इज़ फ्री और कंसेशनल, जिसमें हमें आधा कंसेशन मिलता है। दीज आर फैसिलिटी ऑफ कार, स्वीपर, वॉचमैन, गार्डनर, अटेंडेंट, एक का मिलता है दो का नहीं मिलता है, ऐसे होता है। एजुकेशन भी, चिल्ड्रन एजुकेशन का 100 rupees फॉर टू चाइल्ड मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता है। गैस, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेंट फ्री अकोमोडेशन, इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और अदर एम्प्लॉयज़ आते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए इट इज़ स्टैंडर्ड एज पर गवर्नमेंट रेट्स, अदर एम्प्लॉयज़ के लिए दो टाइप्स के होते हैं, एक सिटी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। सिटी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर
पॉपुलेशन एक्सीड करे 25 लाख तो 15%, 10 लाख टू 25 लाख 10%, टू 7.5 अप टू 10 लाख है तो 7.5%। उसके बाद अगर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर खुद घर दे रहा है तो इसमें 15% ऑफ सैलरी और रेंटल वैल्यू विच एवर इज लेस, जो भी कम है, और अगर फर्नीचर ऐड है तो 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। नेक्स्ट वन हम लोग मोटर कार देखे थे। मोटर कार अगर एम्प्लॉयर का होगा तो अगर एक कार है तो हम लोग अज्यूम करेंगे ऑफिस यूज़ के लिए अगर है तो वो नहीं लगा, पर्सनल यूज़ के लिए तो एक्सपेंडिचर ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस, और दूसरा जो ड्राइवर को देते हैं, और तीसरा 10% ऑन डेप्रिसिएशन ऑन कार। ये तीन खर्च होगा अगर हम लोग पर्सनल यूज़ के लिए दे रहे तो। नेक्स्ट इज मिक्स यूज़ के लिए। अगर मिक्स यूज़ के लिए दे रहे हैं तो फर्स्ट अगर ये एक्सपेंस एम्प्लॉयर उठा रहा है तो एम्प्लॉय खर्च दे रहा है तो स्मॉल कार का है 1800 और लार्ज कार का 2400। वेयर एज अगर एम्प्लॉय बेयर कर रहा है एक्सपेंस तो स्मॉल कार का 600 है, लार्ज कार का 900 पर मंथ। और अगर मोर देन वन कार है तो हम लोग फर्स्ट कार अज्यूम करेंगे मिक्स यूज़ के लिए, और जो सेकेंड कार है वो पर्सनल यूज़ के लिए है। नेक्स्ट केस अगर एम्प्लॉई का कार है, अगर ऑफिस यूज़ के लिए तो निल है, अगर पर्सनल यूज़ के लिए है तो इससे रीएम्बर्समेंट अमाउंट मिलेगा, और अगर मिक्स यूज़ के लिए तो स्मॉल कार का 1800 और ड्राइवर का 900, लार्ज कार का 2400 ड्राइवर का 900। इसके बाद वाइल कैलकुलेटिंग रेंट फॉर अकोमोडेशन हम लोग बेसिक सैलरी लेते हैं, बोनस लेते हैं, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस लेते हैं, मेडिकल अलाउंस लेते हैं, कमीशन लेते हैं, डीए लेते हैं, तभी अगर वो अंदर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहेगा या फिर मेंशन किया रहेगा पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है तभी इंक्लूड करेंगे, वरना डीए इंक्लूड नहीं करेंगे। फाइन, एंड एक फर्स्ट चैप्टर का है टैक्स इवेशन अवॉइडेंस एंड टैक्स प्लानिंग। इवेशन क्या होता है? जब हम टैक्स की चोरी करते हैं, अगर हम लोग फॉल्स क्लेम या रियल इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज टैक्स इवेशन। ये एक इलीगल ऑफेंस है। इसका एग्जांपल है अनरिकॉर्डेड सेल्स, सेल्स हो रहा है हम दिखा नहीं रहे, मतलब हम लोग प्रॉफिट दिखा नहीं रहे, प्रॉफिट रिड्यूस दिखा रहे हैं, बोगस एक्सपेंस दिखा रहे हैं, लॉसेस दिखा रहे हैं, तो ये हो गया टैक्स इवेशन। नेक्स्ट इज टैक्स अवॉइडिंग। ये लीगल है, हम लोग कभी कभार ये टेम्प्रेरी नेचर का होता है, ये कर सकते हैं और पेनल्टी चार्ज नहीं होता है। एंड अनदर वन इज टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग में टैक्स डिडक्शन, रिबेट्स एंड रिलीफ्स आते हैं। फाइन, और एक टॉपिक है रेंट, हाउस रेंट अलाउंस। इसमें अगर ओन हाउस है या फिर हम लोग जो रेंट नहीं दे रहे हो फुली टैक्सेबल है, और अगर पे रेंट पे कर रहे हैं तो उसमें से जो भी कम है वो एग्जेम्प्ट है। फर्स्ट एचआरए रिसीव्ड, सेकंड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और थर्ड है 40% ऑफ सैलरी। तो इसमें सैलरी में क्या है, 40% और 50% इन केस ऑफ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। एंड सैलरी मतलब क्या आएगा, सैलरी में सैलरी इंक्लूड्स बेसिक सैलरी, डीए अगर वो पार्ट ऑफ सैलरी है, और कमीशन जो फिक्स्ड है। फाइन, सो ये सारा को आप लोग रिवाइज कीजिए, हर दिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाइए एटलीस्ट 5 to 10, तो ये टॉपिक्स क्लियर हो जाएगा, आपको सॉल्व करने में इजी होगा। एंड लेटर डेज में फिर हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन हम लोग क्विकली रिकैप कर सकते हैं, क्योंकि वो टॉपिक ईजी है और पहले से पढ़ा हुआ है। सो अभी हम लोग प्रैक्टिकल पे फोकस करेंगे एंड लेटर डेज पे थ्योरी पे फोकस कर सकते हैं। सो कीप स्टडीइंग, प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड अ वुमन परफेक्ट। एंड आई होप यू ऑल डू वेल इन योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट।